अच्छा देखो, अब हमने यहाँ पे एक मोड कर लिया जिसका नाम था W, जो कि राइट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपेंड के मोड में, ठीक है, जो A का मोड है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास ये है ना फाइल, ठीक है, इसके अंदर हमने जो नेम और एज इंसर्ट करवाई थी वो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे, मतलब इसी फाइल के अंदर रहते हुए, इसके आगे कोई और डेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक डेटा सेव करवाया था, अब मैं अगले दिन आया हूँ और मैंने दोबारा अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मैं दोबारा इसी फाइल के अंदर सेव करवाना चाह रहा हूँ, मतलब अलग से मैं कोई फाइल नहीं बनाना चाह रहा, इसी फाइल के अंदर मजीद डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोग्राम में और यहाँ पे अब मैं मोड यूज करूंगा ए का, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे W की जगह A का मोड यूज करता हूँ, और देखो अब यहाँ पे जहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ना F प्रिंट F के थ्रू, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे स्पेस क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये देखो ये जो हमारी फाइल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो 24 के बाद एक स्पेस हो, फिर उसके बाद नाम और एज आए अगले बंदे की, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा ना, ये F प्रिंट F के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये 24 के साथ चिपक के आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दफा स्पेस दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मोड क्या कर दिया, अपेंड, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं दोबारा रन करता हूं, ठीक है। अब देखो अब मांग रहा है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं अली और एज इसको दे दूं फॉर एग्जांपल 20, सही है, और यहाँ पे अब इसको एंटर करता हूं तो इसने मैसेज क्या प्रिंट करवाया, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब मैं आता हूं अपनी फाइल ओपन करता हूं, ठीक है, अभी इसको क्लोज करता हूं, दोबारा ओपन करता है, यहां से आ गया, देख रहे हो, मतलब अपेंड हो गया, उसी फाइल में अटैच हो गया, ठीक है, मतलब उसी फाइल के अंदर डेटा दूसरे डेटा के साथ अटैच हो गया, अपेंड हो गया, ये काम होता है इसका, सही है, क्लियर है।